नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है फुलवारी प्रखंड के हर पंचायत में सर्वे कर रहे हैं कि कितना कार्य, कितना विकास हुआ है विगत 1.5 सालों में। इसी क्रम में अभी हम परसा पंचायत पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी बार जीत के आए हैं जनता के स्नेह प्यार से, सुजीत कुमार जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पिछला टर्म में कितना विकास कर पाए, इस टर्म में विगत 1.5 सालों में कितना कार्य कर पाए, कितने योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा पाए, कितने योजनाओं को धातल पे उतार पाए और क्या क्या समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ा और कैसे उसका इस पंचायत का उत्थान करने में कमर कस चुके हैं। तो इन सारे चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत के बारे में, इनके ही जुआनी कि आखिर कितना कार्य, कितना विकास हुआ है। मिशन 24 में सर आने के बाद नमस्कार, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि दूसरी बार आप जनता ने आपको विश्वास जिताया है, जनता ने, और आप जीत के आए हैं, दोबारा मुखिया बने हैं, तो पिछले टर्म में कितना विकास हो पाया था, क्या रुक गया था और इस टर्म में कितना विकास हो पाया? फर्स्ट टर्म में तो जितना सरकार के तरफ से जो भी योजना थी हमने धरातल पर उतार ही दिया था। तो उस समय 7 निश्चय के थ्रू हमने बहुत सा योजना, जहाँ जो भी समस्या था उनका निदान किया, और इस बार जो भी बचा योजना है पब्लिक तक, कोशिश में है कि 5 साल के अंतराल में पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर। अभी कौन कौन सी योजना है जो खाते पे? अभी धरातल पर 15वीं बीत से कुआं का हुआ और गली नली चल रहा है। सिस्टम से भी हमने गली नली किए हैं। समुदाय भवन जो कि वार्ड नंबर 8 में बहुत जर्जर स्थिति में था, उसका हमने रिपेयरिंग कराया। और परसा हॉस्पिटल जो था उस दिन से बंद पड़ा था, तो उस पर दौड़ धूप करके चालू करवा दिए हैं। उसमें आयुष्मान के थ्रू उसमें नर्स भी रहती है और वहाँ पर एक जिम भी लगाए, जिससे लोगों को सुबह में अपना मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर भी अपना रिपोर्टेशन दिखाते हैं। और मेरे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है सरकारी ज़मीन का। अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा खरीद कर दिया जाए तो मैं पूर्ण रूप से समुदाय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत सरकार भवन, जो भी सरकार के तरफ से बिल्डिंग वाला जो योजनाएं हैं, मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। मेरे यहाँ तो ऐसा है कि समझिए कि सामुदायिक शौचालय तक बनाने का ज़मीन नहीं, सरकारी ज़मीन से हम लोग थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं। मेरा तो दरख्वास्त है यही है सर, माननीय नीतीश कुमार जी से कि परसा पंचायत में जो भी अगर कमी है सरकारी ज़मीन का, उन्हें उपलब्ध कराया जाए। और एक बड़ी समस्या मेरे यहाँ, हम लगातार 3-4 साल से लघु सिंचाई विभाग में अपना दौड़ धूप कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का सिंचाई विभाग लघु सिंचाई से स्वीकृति मिल गया है, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हो पाया, जिससे हमारे पंचायत में करीब 500 बीघा से ऊपर खेत में जल मग्न हो जाता है बरसात में, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा स्थिति रहा तो इस बार बरसात में पब्लिक लोग का घर का पानी नहीं निकल पाएगा। हमारे स्थिति है जैसे रहमपुर में हो गया, खपरेल चक हो गया, छतना हो गया, परसा में हो गया, कि टोटल पैन दम समझिए कि जो गड्ढा था तो गड्ढा एकदम भर करके खेत के लेवल में चला गया। हमने लगातार प्रयास किए, मंत्री जी थी, माननीय विधायक जी से बात किए, माननीय सांसद जी से बात किए, सांसद जी खुद लेटर पैड पर लिख करके लघु सिंचाई विभाग में दिए, लेकिन अभी तक तो कुछ, अब तो कुछ दिन में बरसात आएगा, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि इस बार भी टेंडर हो पाएगा। और इधर मीठापुर एलिवेटेड रोड में जो काम लगा हुआ है, इसमें टोटल आपको एतवारपुर से लेकर के मौली हॉल्ट तक में जितना पुल है जो पानी निकास वाला, टोटल पुल बंद किए हुए हैं एलिवेटेड रोड वाले। अब तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि रेलवे लाइन के पश्चिम साइड में जो भी लोग रह रहे हैं उनको तो इस बार जल मग्न में समझिए कि समस्या का निदान नहीं हो पाया, तो समझिए कि उन लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। परसा स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर तो करीब 3-4 फीट रोड पर पानी भर जाएगा इस बार। देखिए, बहुत बड़ी समस्या से हमें अवगत करा रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि हमारे माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें पहुंचे कि इसका निदान आखिर कैसे किया गया और कैसे सारा कुछ होगा।
इसी क्रम में हम इनसे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और अपनी बातों को सुन रहे हैं और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको पता है, आपके लिए आयुष्मान कार्ड है, क्या लगता है ये सारी योजनाएं आप तक आ गई है और क्या लोगों को मिल चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक तो जो करीब 2-3 साल से नाम एंट्री क्लोज हो चुका है। हम लोग पूरा मुखिया संघ, पूरा बिहार का, समझिए कि दिल्ली से लेकर के बिहार तक धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन अभी तक नाम एंट्री का कोई प्रावधान ही चालू नहीं किया गया, जिससे गरीब जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इस योजना को जल्द से जल्द चालू किया जाए। और रही बात आयुष्मान कार्ड की, तो आयुष्मान कार्ड लिस्ट में फर्स्ट टाइम में लिस्ट के अनुसार आया था आयुष्मान कार्ड में, कि जो जिसका जिसका आयुष्मान में लिस्ट रहेगा उसी का नाम से आयुष्मान कार्ड बनेगा। और लिस्ट के अनुसार लगभग 95-96% समझिए कि पूरा बिहार में कम्प्लीट हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि सेकेंड लिस्ट जारी करने की कृपा की जाए, जिससे मनरेगा के तहत भी काम हो रहा है। हाँ, मनरेगा के तहत मेरे पंचायत में काम हुआ है और फिर इस बार मिट्टी वाला योजना में सोच रहे हैं कि 6-7 काम लेकर के फिर मिट्टी वाला चालू करेंगे। और समस्या कुछ है? और समस्या है मेरे यहाँ, समस्या है कि हॉस्पिटल का जो अभी जमीन है, करीब 2-3 बीघा जमीन है, तो हॉस्पिटल का जमीन का सरकार के पास हम लोग सेंट्रल से लेकर बिहार सरकार तक आवेदन दे चुके हैं कि इसका बाउंड्री वॉल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई इसमें रिस्पांस नहीं आ पाया। तो अभी आप सुन रहे थे परसर पंचायत के मुखिया जी को, जो अपने सारी समस्याओं से हमें अवगत करा रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या समस्या, मुख्य समस्या है जिसके कारण जो है पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है और दिक्कतों का सामना करना। सबसे बड़ी यहाँ का मुख्य समस्या जो है, क्योंकि शहर पटना शहर से काफ़ी सटा हुआ है, मात्र 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये पंचायत है और यहाँ पे सबसे मुख्य समस्या जमीन को लेकर है। इस कारण से ना यहाँ सरकार भवन बन पा रहा है, ना स्वास्थ्य केंद्र बन पा रहा है, ना आंगनबाड़ी केंद्र बन पा रहा है, ना सामूहिक शौचालय बन पा रहा है, क्योंकि जो जमीन चाहिए बनने के लिए वो जमीन ही उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से विकास अवरुद्ध हो रहा है। और भी राशि आवंटन, मनरेगा का, ये सब चीज़ों पे भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो हो रहा है। वित्त, 15 वित्त से भी लेके इनके पास समस्या है कि काफ़ी उसमें टाइड एंड टाइड और टेंडर वेंडर के लेके जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पैसा आता है वो उनके पास आता है, फिर उनके साथ समझ बैठा के उसे निकालना, उसे हर घर तक पहुँचाए, हर चीज़ों तक पहुँचाना दिक्कतों से काम होता है। ऐसे इनका काम बेहतर हो रहा है, हर योजनाओं को धीरे धीरे धरातल पर आ रहे हैं, हर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जनरल योजना हो। आपको बता दें कि पीएचडी के द्वारा यहाँ जनरल योजना का कार्य किया गया है, जो लगभग ठीक ठाक हालत में अभी चल रहा है। ये तो और कई पंचायत हैं जहाँ पीएचडी के द्वारा कार्य किए गए कार्यों में कहीं भी जो है जनरल योजना घर तक नहीं पहुँच पाया है। इन सारी चीज़ों के तहत ये कमर कसे हुए हैं, लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, पंचायत के लोगों के बीच बने हुए हैं और हर हालत में विकास करने के लिए तैयार बैठे हैं और चाहते हैं कि स्वस्थ और बेहतर पंचायत के रूप में जो है परसर पंचायत जो है नजर आए पटना के पटल पे। आप देख रहे हैं मिशन 24 न्यूज़। नमस्कार।